नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ दुष्य। और सबसे पहले खबर, जहां सरकार बनने से पहले जो वादा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से किया था उसे पूरा कर दिया है। भूपेश सरकार ने हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय पर बढ़ोतरी कर दी है, जिसका लाभ सभी को 1 जुलाई 2019 से मिलने लगेगा। मतलब साफ है कि अगस्त महीने से कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और भूपेश सरकार ने 750 से लेकर 1500 रुपए तक की वृद्धि की है। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव से पहले अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत ये हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अब बेहद खुश हैं। अब इन्हें अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले जो वादा कांग्रेस ने किया था उसे भूपेश सरकार ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की वृद्धि की है। भूपेश सरकार ने जो कहा सो किया। बढ़ा हुआ वेतनमान 1 जुलाई 2019 से लागू होगा, मतलब अगस्त महीने का वेतन बढ़ोतरी के साथ मिलेगा। भूपेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि की है। वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1200 और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की है। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5000 रुपए तक मानदेय मिलता था, अब 1500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6500 रुपए तक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3250 रुपए तक मानदेय मिलता था, अब 1250 रुपए वृद्धि के साथ 4500 रुपए तक मानदेय मिलेगा। सहायिकाओं को पहले 2500 रुपए तक मानदेय मिलता था, अब 750 रुपए वृद्धि के साथ 3250 रुपए तक मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का आज से मानदेय बढ़ेगा। बधाई, जो वादे हमने किया था एक एक करके हम पूरा करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सीएम की ओर से दिया गया एक बहुत बड़ा तोहफा है। यही वजह है कि सरकार के इस फैसले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अपनी मांग को पूरा कराने के लिए पूर्व सरकार में कड़ा संघर्ष करना पड़ा था, बार बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने पड़े थे। अच्छी बात यह है कि नई सरकार में हमें अपनी मांग को पूरा कराने के लिए ऐसे किसी भी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ी। सरकार को मांग पूरी करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी दुख तकलीफ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 की बढ़ोतरी किए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो 1500 रुपए बढ़ाए हैं उसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश भर के लोग उनका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे राज्य सरकार जो हमारे परेशानी देखते हुए हमारे मानदेय बढ़ोतरी करे है, ओकर से हमारे सब बहनियों हमन खुश हैं। वास्तव में सरकार ने जो कहा तो किया। सरकार के इस फैसले का असर न सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक है, बल्कि इसका सीधा फायदा उनके परिवारों को भी मिलेगा। बढ़ती हुई महंगाई में एक एक रुपए की कीमत क्या होती है, इसे एक निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार बखूबी समझता है। ऐसे में भूपेश सरकार की ओर से किया गया मानदेय वृद्धि इन परिवारों के लिए एक बड़ी मदद है। हेमंत शर्मा के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है।